हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न देखेंगे और उनके हलों को समझेंगे। तो आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न इस प्रकार से है। दिए गए चित्र में दो रेखाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि कोण एस ओ टी बराबर 75 डिग्री हो तो स्मॉल ए बी तथा सी का मान होगा। यहाँ चार ऑप्शंस हैं ए बी सी के लिए, तो आइए इसे हल करके देखें कि कौन सा मान सही होगा। तो बच्चों, यहाँ इस प्रश्न में दो सरल रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं जो बिंदु क्या है, ओ है। और यहाँ पर कुछ कोण दिए गए हैं और एक कोण आपको एस ओ टी दिया गया है, एस ओ टी जिसका मान क्या है, 75 डिग्री यानी कि 75 अंश है। तो आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए इसे समझते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो यहाँ जो रेखा एस आर है यह एक रैखिक युग्म बना रहा है, यानी इस पर एक बिंदु पर ये सारे कोण बने हैं, तीन कोण बने हैं, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल। तो इनका योग क्या होगा, एंगल एस ओ टी प्लस ए प्लस बी, इन तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें ए प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, 180 अंश माइनस एंगल एस ओ टी, और एंगल एस ओ टी जो है वो 75 डिग्री हमें दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी का मान मिल जाएगा, ए प्लस बी बराबर 105 डिग्री। ये आपने समीकरण एक बना लिया। और यहाँ आप देख रहे हैं ये एंगल, एंगल कौन सा एंगल है, ये क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ये एंगल जो है पी ओ एस के बराबर हो जाएगा, एंगल पी ओ एस। ये कैसे एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए जो है वो 4B के इक्वल होगा। अब यही ए का मान हम समीकरण एक में रख देंगे, तो समीकरण एक से हमें क्या प्राप्त होगा, ए के स्थान पे हम 4B रख रहे हैं, तो यहाँ 4B प्लस बी बराबर 105 अंश, यानी कि हमें मिल जाएगा यहाँ से 5B बराबर 105 अंश। तो बी का मान क्या हो गया, 105 अंश बटे 5। जब इसे आप काटेंगे तो ये आपका 21 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बी का मान कितना आ गया, 21 डिग्री, और 21 आपको यही ऑप्शन ए में ही दिया गया है, बी के स्थान पर 21। बाकी कोणों को भी हम निकाल लें तो हमारा बी मिल गया, और यहाँ पर हमने ज्ञात किया ए इक्वल टू 4B, तो ए भी मिल जाएगा, बी का 4 गुना हो जाएगा, 21 अंश का 4 गुना, 21 चौका 84 अंश हो गया। अब सी अगर हमें निकालना है तो सी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन कोणों को देखें, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 75 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 2C। तो यहाँ बी का मान आप ज्ञात कर चुके हैं 75, और बी के स्थान पर क्या ले लेंगे, 21, और ये बराबर हो जाएगा 2C के। और हल करेंगे तो 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 96 इक्वल टू 2C। तो C इक्वल टू क्या हो गया, 96/2, आप डिवाइड कर देंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 48, यानी A हमें मिल गया कितना, 84 डिग्री, B मिला 21 डिग्री और C मिला 48। तो 84, 21 और 48 ये आपका ऑप्शन A में दिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन ए हो गया। तो बच्चों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BAC बराबर 38 डिग्री हो तो कोण DCO का मान है। ऑप्शंस हैं 76 डिग्री, 52 डिग्री, 38 डिग्री या फिर 19 डिग्री। तो आइए इसे समझते हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको दिया गया है कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है, और यह कोण दिया गया है 38 डिग्री, और इस कोण जो एक्स दिया गया है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है
बीसी एक चाप है जिसके द्वारा दो वृत्तखंड बनाए गए हैं। नीचे वाला जो पार्ट है, जो छोटा है यह पार्ट, वो क्या है, लघु वृत्तखंड है, और ऊपर का जो भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड है। और आप एक प्रमेय जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ आपको कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी डी सी। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये 38 का है तो ये भी हमें 38 डिग्री का मिल जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, 38 डिग्री के हो जाएंगे। और अब आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में आप देखेंगे कि ओ सी और ओ डी क्या है, त्रिज्याएं हैं, यानी ओ सी बराबर ओ डी। कारण क्या है कि त्रिज्याएं हैं, ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। और जब ये बराबर हैं इसके, तो यह त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो अगर यह कोण 38 डिग्री है तो इस भुजा के सम्मुख कोण यह वाला भी 38 डिग्री का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि OC के जो सम्मुख कोण है वो आपका कोण ODC है, कोण ODC है, और यह कोण किसके बराबर होगा, DCO के बराबर हो जाएगा, कोण DCO। तो यह कोण आपने 38 प्राप्त कर लिया है, तो यह कोण भी क्या होगा, 38 डिग्री का ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से DCO आपको क्या मिल गया, DCO ही ज्ञात करना था, और कितना आ गया, 38 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी जो हुआ वो बिल्कुल सही हो गया। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1350 में भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शंस हैं 6, 5, 3 या 2। तो आइए देखें बच्चों, 1350 पूर्ण वर्ग कब बनेगा यह हमें जानने के लिए 1350 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो आइए अभाज्य गुणनखंड करके देखें। 1350 अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 6 12, 2 2 7 14 और 2 5 10। फिर हम क्या कर लें, अब 3 से विभाजित कर दें, 3 2 6 और 3 5 15। पुनः 3 से करेंगे तो 3 7 21, 1 और 3 5 15। फिर 3 से कर लें, 25 बार विभाजित होगा, और इस बार हम 5 से करेंगे, 5 5 25, और आखिरी में फिर 5 से एक बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अभाज्य गुणनखंड हमको मिला 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ जोड़ा जो है 5 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, तो यह 2 जो है अपूर्ण है, और यह 3 जो है यह भी अपूर्ण है। तो अगर इसके साथ हम 1 2 और मिला दें, और इसके साथ 1 3 और मिला दें, तो यह संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या हो जाएगी, 1 2 हमें और चाहिए, 1 3 और चाहिए, यानी 2 3 6। अगर 6 से 1350 में गुणा कर दिया जाए तो यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हमारा जो सही ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन ए हो गया। तो बच्चों अगला प्रश्न है, 24 का 25% + x का 20% = 16 हो तो x का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस हैं 20, 30, 40 या 50। तो आइए इसे भी देखें। बच्चों यहाँ एक समीकरण दिया गया है, 24 का 25% + x का 20% = 16। इस समीकरण को हल करके ही हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। आइए देखें, 24 का 25% यानी 24 × 25/100 प्लस x का 20% यानी x × 20/100 = 16। इसे आप सरल कर लें, 25 से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ 1/4, और 20 से 5 बार में ये कट गया, 4 से इसे काट लीजिए 6 बार में कट गया, यानी इसका जो हल आ गया वो 6 आ गया, प्लस यहाँ पर आपको मिल गया x/5 = क्या हो गया, 16। अब इसे ही हल करना है तो x/5 = क्या हो गया, 16 - 6। पक्षांतर करने पर इसका चिन्ह बदलेगा,
एक्स बटे पाँच हमें क्या मिल गया, 16 में से 6 घटाने पर 10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर आप तिरक गुणा कर सकते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 5 यानी 10 × 5 = 50। तो एक्स का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो 50 कौन से विकल्प में दिया गया है, विकल्प डी में दिया गया है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हुआ वो विकल्प डी हुआ। बच्चों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, एक और बच्चे के आगमन से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है, तो नवागंतुक बच्चे की आयु है। तो यहाँ 4 बच्चे हैं जिनके औसत आयु 13 वर्ष है और एक बच्चा और आ जाता है, तो औसत आयु बदल करके 12 वर्ष हो जाती है। तो हमें जो बाद में एक बच्चा और जुड़ा है उसकी आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शंस हैं 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष और 8 वर्ष। तो आइए देखते हैं, 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो यहाँ पर 4 बच्चों की कुल आयु जो हो जाएगी, 4 बच्चों की कुल आयु ये हो जाएगी 13 × 4 यानी 13 × 52 वर्ष हो जा रही है। अब एक बच्चा और आ गया तो कुल बच्चे कितने हो गए, पहले 4 थे, अब बच्चे हो गए 5 और औसत आयु हो गई 12 वर्ष। तो 5 बच्चों की कुल आयु जो हो जा रही है वो कितनी हो जाएगी, अब औसत आयु 12 है लेकिन बच्चों की संख्या क्या हो गई, 5। तो हम क्या करेंगे, 12 × 5 यानी 12 × 5 = 60 वर्ष। इस तरीके से 5 बच्चों की टोटल आयु कितनी हो गई, 60 वर्ष, 4 बच्चों की टोटल आयु 52 वर्ष। अब जो नवागंतुक बच्चा था उसकी आयु कितनी हो जाएगी, नवागंतुक बच्चे की आयु ज्ञात करने के लिए 5 बच्चों की आयु में से 4 बच्चों की आयु को हम घटा देंगे, तो 60 में से 52 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 8 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो नया बच्चा था उसकी आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हुआ यहाँ पर। तो बच्चों अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, राम, श्याम और अजीत किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। ऑप्शंस हैं 6 दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में या फिर 5 दिनों में। आइए देखते हैं इसे। बच्चों यहाँ राम जो है उस काम को 12 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में और अजीत उसी काम को 20 दिन में करता है। तो राम का एक दिन का काम, यानी वो एक दिन में कितने भाग करेगा, अगर 12 दिन में वो काम पूरा करता है तो एक दिन में 1/12 भाग पूरा कर लेगा। इसी प्रकार से श्याम का एक दिन का जो काम होगा वो 1/15 भाग होगा और अजीत का एक दिन का काम ये 1/20 भाग हो जाएगा। और अगर तीनों मिलकर के काम करें, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस अजीत तीनों को हम मिला दें, तो तीनों का एक दिन का काम ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 के बराबर। इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 × 5 = 60 यहाँ 5 से गुणा होगा, 15 × 4 = 60 4 से गुणा होगा और 20 × 3 = 60 3 से गुणा होगा। तो यहाँ आपको मिल गया 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12/60। इसे आप हल करेंगे तो 12 × 12 12/5 = 60 यानी 1/5 भाग। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में उस काम का 1/5 भाग कर लेंगे, तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 1/5 का व्युत्क्रम करने पर यानी कि 5 दिन मिलेंगे, 5 दिन में वो तीनों मिलकर के उस कार्य को बिल्कुल पूरा कर लेंगे। तो यहाँ 5 दिन जो है आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। बच्चों अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो।
यहाँ ऑप्शंस हैं 350 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये या फिर 500 रुपये। तो आइए देखें बच्चों, यहाँ उस वस्तु को 320 रुपये में बेचा गया है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो हो गया ₹320। अब हानि कितने की हुई है, 20% की हानि हुई है। तो यदि हम क्रय मूल्य को ₹X मान लेते हैं तो हानि कितनी हो जाएगी, X का 20%। तो X का 20% हम कैसे निकालेंगे, X गुणे 20/100। इसे आप हल करेंगे तो X/5 में, यानी कि क्रय मूल्य ₹X था और हानि कितनी हो गई, X/5 की। तो इस हिसाब से जो विक्रय मूल्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, X से X/5 कम, घटाने पर ये मिल जाएगा 5X-X, यानी कि 4X/5। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो 4X/5 है वो ₹320 के बराबर है। तो यहाँ से हम X प्राप्त कर लेंगे 320 गुणे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5 ऊपर और 4 नीचे, तो 4×8=32, 80 हो गया, 80×5, 8×5=40, यानी कि ₹400 उसका जो है क्रय मूल्य था। ये क्या मिल गया हमें, क्रय मूल्य। अब हमें लाभ चाहिए, लाभ कितना करना है, 25% का। तो लाभ जो होगा वो ₹400 का 25%, यानी कि 400×25/100। तो इसे हल करेंगे, 400 से कट जाएगा 4 बार में और 25×100, यानी ₹100 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य 400 था, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 400+100, यानी कि कितना हो गया, ₹500। तो वह वस्तु यदि ₹500 में बेची जाती तो उसे 25% का लाभ हो जाता। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा, ₹500। तो बच्चों यहाँ जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, इस वर्ग का विकर्ण होगा। ऑप्शंस हैं 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। तो आइए इसे भी हल करके देखें। बच्चों यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है 200 वर्ग मीटर, और किसका क्षेत्रफल है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ₹200 वर्ग मीटर है, और वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, भुजा गुणे भुजा, ये बराबर 200 हो गया। तो अगर हमें एक भुजा प्राप्त करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे 200 का, और 200 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2×100। तो यहाँ 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा तो ये करणी में रह जाएगा, यानी एक भुजा हमें मिल गई 10, करणी में 2। तो हमें क्या करना है, हमें उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये वर्ग इस प्रकार से है अगर, और एक भुजा आपकी 10, करणी में 2, सभी भुजाएं 10 करणी में 2 हो जाएंगी, तो इस विकर्ण की माप ज्ञात करना है। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा करणी में 10, करणी में 2 का वर्ग प्लस 10, करणी में 2 का वर्ग, ठीक है। 10 करणी में 2, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाता है, और करणी में 2 का वर्ग 2 ही हो जाएगा, यानी 200 ये हो गया। इसी प्रकार से 200 ये हो गया, 100×2 200, 100×2 200। तो 200 200 मिलके कितने हो गए, 400, और 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से जो विकर्ण हो गया वो कितना होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए। तो 20 मीटर यहाँ आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न इस प्रकार से है, करणी में 25 गुणे करणी में 64 गुणे करणी में 36 और पूरे में 2/3 करणी में 9 गुणे करणी में 4, इसका मान होगा। ऑप्शंस हैं 30, 40, 50 या फिर 60। तो हल करके देखते हैं, जो करणी में 25 है इसका वर्गमूल हो जाता है 5, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8,
36 का वर्गमूल आप जानते हैं 6 हो जाता है, कर्णी में 9 का वर्गमूल 3, कर्णी में 4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल आपको मिल गया 2। अब इसे आप सरल कर लें, 3 × 6 और इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 5 × 8 यानी 5 × 8 = 40। तो इस प्रकार जो आपका सही उत्तर हुआ वो 40 हुआ, तो विकल्प बी आपका जो है वो बिल्कुल सही हुआ 40। अच्छा अगला प्रश्न है, 4^11 × 7^5 × 11^3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाए। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए इसे समझते हैं। बच्चों जो संख्या दी गई है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जो संख्या हमें दी गई है वो 4^11 है गुणे 7^5 है गुणे 11^3 है। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, जब उसे वर्ग के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर हम अगर 4^11 को 10+1 कर दें और गुणे 7^5 को हम कर दें 4+1 और 11^3 को 2+1 कर दें, तो इस तरीके से 4^10 को हम लिख सकते हैं 4^5 का वर्ग गुणे 4, 7^4+1 को 7^2 का वर्ग गुणे 7 और 11^2+1 को 11^2 × 11 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह संख्या तो पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्ग है, यह भी पूर्ण वर्ग है और यह भी पूर्ण वर्ग है। तो जो अपूर्ण है वो क्या है, यह 4, यह 7 और ये 11। तो हमें अगर एक और 4, एक और 7 और एक और 11 से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो यहाँ हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या हो जाएगी, 4 × 7 × 11, 1 × 4 इसके लिए, 1 × 7 इसके लिए और 1 × 11 इसके लिए। तो 4 × 7 × 11 की आवश्यकता हमें होगी, तो ये जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 4 × 7 × 11, तो यही विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बच्चों अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, x³ − 8/x − 2 का मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, x² + 2x + 4, x + 4x² + 2 या x − 2² या इनमें से कोई भी नहीं। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिया गया है x³ − 8/x − 2, तो जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये x³ − 2 का क्यूब है। यहाँ पर हम सब समीकरण a³ − b³ का प्रयोग कर सकते हैं जिसका मान होता है a − b (a²) + b² + ab। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जब हम इस सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा x − 2 (x²) + 2² + 4 + 2 × x (2x) और अपॉन में हो गया x − 2। इस x − 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो हो जाएगा x² + 2x + 4। तो इस तरीके से x² + 2x + 4 ये आपका आंसर हुआ जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन ए में हुआ। तो बच्चों यहाँ जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, 1496000 संख्या दी गई है और इसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन रूप है। 4 ऑप्शंस हैं, 1.496 × 10⁻⁷, दूसरा है 1.496 × 10⁹, तीसरा है 149.60 × 10⁵ या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी संख्या को मानक रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हमें k × 10⁻⁶ के रूप में लिखना होता है, जहाँ k जो होता है वो आपका 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। तो k का मान हमें 1 से 10 के बीच में रखना है, यानी कोई भी पूर्णांक संख्या वो 1 के बराबर हो सकती है या 10 से छोटी होगी। तो अब यहाँ n जो होगा एक पूर्णांक संख्या होगी, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ जो संख्या हमें दी गई है 1496000,
तो यहाँ पर दशमलव कहीं नहीं है, या ये हम मान सकते हैं कि आखिरी में दशमलव है और उसके बाद एक जीरो हमने लगा दिया। ठीक है, अब इस दशमलव को हमें कहाँ रिप्लेस करना है, इस स्थान पर रिप्लेस करना है वन और फोर के बीच में, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से के का मान जो है एक और दस के बीच में होना चाहिए, यानी एक अंक की ही संख्या होगी, दो अंक हम नहीं ले सकते। तो इस दशमलव को उठा करके यहाँ करना होगा, तो हमने कर दिया 1.496000। ठीक है, तो दशमलव कहाँ आ गया, कितने प्लेस लेफ्ट गया, 1 2 3 4 5 6 7, सात स्थान बाईं ओर चला गया। तो हम क्या करेंगे, गुणे 10 की घात में 7 लगा देंगे। अगर दशमलव बाईं ओर जाता है तो घात में हम प्लस लिखते हैं, और दशमलव दाहिनी ओर जाता है तो हम क्या करते हैं, घात में माइनस लिखते हैं। ये संख्या हमारी हो गई 1.496000 × 10^7, या इसे हम 1.496 × 10^7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा 1.496 × 10^7, यानी कि आपका विकल्प ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। बच्चों अगला जो प्रश्न है वो यह है, 3 घंटे और 45 मिनट में अनुपात है, क्या अनुपात है यह हमें बताना है। ऑप्शंस हैं 4:1, दूसरा है 1:4, तीसरा है 5:2 और चौथा है 3:2। तो यहाँ बच्चों 3 घंटे और 45 मिनट में हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें दोनों को एक ही राशि में बदलना होगा, यानी कि हम दोनों को या तो घंटे में बदल लें या दोनों को मिनट में बदल लें। यहाँ पर हम घंटे को मिनट में बदलेंगे। हम जानते हैं कि एक घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो हमारे पास यहाँ 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे को अगर हम मिनट में बदलते हैं तो 3 × 60 यानी कि 6 × 3 = 18, 180 मिनट हो जाएंगे। अब 180 मिनट और 45 मिनट में कितने का अनुपात होगा, इसे आप हल करेंगे तो 45 से ये 4 बार में कट जाता है, यानी 4/1, या हम ये कह सकते हैं कि 4:1 प्राप्त होगा। तो जब भी हम दो राशियों की तुलना करते हैं या उनका अनुपात निकालते हैं तो उनके मात्रक समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने दोनों को मिनट में बदल करके उनका आपस में भाग दे दिया तो उनमें अनुपात प्राप्त हो गया 4:1 का, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4:1। तो यहाँ आपका पहला विकल्प ए बिल्कुल सही हुआ। बच्चों यहाँ अगले प्रश्न में एक आपको बॉड मास का प्रश्न दिया गया है, यानी कि भागु जोग का प्रश्न दिया गया है, और उसे हल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 12, 11, 10 और 9। तो बच्चों जब भी हम बॉड मास का क्वेश्चन करते हैं या को का भागु जोग का क्वेश्चन करते हैं तो हमें कोष्ठकों का क्रम ध्यान देना होता है कि हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, और सबसे अंत में सबसे बड़े कोष्ठक को या वर्ग कोष्ठक को हम हल करते हैं, और सभी कोष्ठकों के अंदर हमें भाग, गुणा, जोड़ और घटाने का क्रम बनाए रखना होता है, इसी क्रम से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए इसे भी हल करके देखें। बच्चों इस प्रश्न में सबसे पहले हम इस छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद मझले कोष्ठक को हल करेंगे, और सबसे आखिरी में इस वर्ग कोष्ठक को या बड़े कोष्ठक को हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। यहाँ आपको घटाने के लिए दिया गया है, यानी 18 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ 13 मिलेगा। 16 - 13 ये आपका मझले कोष्ठक में हो गया, और बाकी जो जैसे हैं वैसे ही आप लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे तो यहाँ पर 18 - अब हम मझले कोष्ठक को हल करते हैं, 16 में से 13 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिला। फिर अगले स्टेप में इसको भी हम हल कर लेंगे, 4 + 3 क्या होगा, 7। तो अब आपको 18 में से 7 माइनस करने हैं, 18 में 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 11। इस प्रकार से आपका जो आंसर हुआ वो 11 हो गया। तो कोष्ठकों को हल करने का क्रम ये होता है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। इसी क्रम से हम कोष्ठकों को हल करते हैं, और कोष्ठक के अंदर भा, गु, जो, घ इस नियम का भी पालन करते जाएंगे, भा से भाग, गु से गुणा, जो से जोड़ और घ से घटाना। तो ये आपका क्रम था और इसी नियम पर हमने इसे हल किया तो हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 11। और 11 जो है आपका विकल्प बी में दिया गया है,
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हुआ। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है, कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनका बहुलक ज्ञात करना है। जब भी हम किसी दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना होता है कि जो भी आंकड़े हैं उनमें किस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ऑब्जेक्ट, अकरिंग नंबर, या जो भी नंबर सबसे अधिक बार आया है वही क्या होता है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक हो जाता है। तो यहाँ हम कैसे मिलान करेंगे, संख्याएं आप देख लें, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तक, 5 तक की संख्याएं हैं। तो संख्याएं क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आवृत्ति ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है टैली। तो हम टैली द्वारा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी हम काउंट करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन टैली से आपको गलती नहीं होगी। तो हमें पहले 1 काउंट करना है, तो यहाँ आपको 1 चेक करना है, 1 कहाँ है, केवल यहाँ पर है, यानी 1 के लिए टैली चिन्ह ये हो गया और आवृत्ति क्या हो गई, 1। अब आप 2 चेक करें, 2 कितनी बार है, तो 1, 2, 3, तो 3 आपने डंडियाँ बना दी, 1, 2, 3 और ये आवृत्ति हो गई 3। बच्चों 2 के बाद हम 3 की आवृत्ति काउंट करेंगे, 3 कितनी बार है, तो यहाँ एक बार हमें मिला, एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हमें एक बार और मिला, एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, फिर हमें एक बार और यहाँ प्राप्त हुआ, एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ 3 की कोई आवृत्ति नहीं है, तो कितनी हुई, 1, 2, 3, यहाँ आपने लिख लिया 3। अब संख्या 4 के लिए हम गिनेंगे, तो 4 यहाँ पर एक बार मिला, आपने ये क्रॉस, ये टैली बना दिया, फिर दूसरी बार के लिए एक और, इसे भी क्रॉस कर दीजिए, फिर तीसरी बार यहाँ पर हो गया, चौथी बार यहाँ हो गया, पांचवी बार के लिए एक आपने बंडल बना दिया, और छठवीं बार ये अलग हो गया। तो 5 ये हो गए और एक ये 6, 4 की आवृत्ति हो गई 6। अब संख्या 5 को हम काउंट करेंगे, 1 यहाँ पर, 2, 3, केवल 3। इस तरीके से 5 की जो आवृत्ति थी वो 3 हो गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, सबसे अधिक आवृत्ति 6 है और ये किसकी है, 4 की है। तो यहाँ पर जो बहुलक होगा, इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आपका जो विकल्प ए था वो बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने कुछ प्रश्न देखे और उनके व्याख्यात्मक हलों को भली भांति समझा। अगर बच्चों आपको इन प्रश्नों में को समझने में कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।